IPL 2022 मेगा ऑक्शन से पहले हम सभी के सामने लगातार काफ़ी सारी अपडेट्स सामने निकल कर आ रही है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में। RCB की टीम की तरफ से आज दो बड़ी अपडेट आई है जो कि आप सभी RCB फैंस के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भारत की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहाँ पर आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम्स खेलकर लाखों और करोड़ों रुपये जीत सकते हो। 85 से ज़्यादा ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और इस पर आपको 24/7 विदड्रॉ का ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ ही आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी नीचे दिए गए पिन कमेंट से आप लोग इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। दोस्तों IPL 2022 का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में किया जाने वाला था, लेकिन अब जो क्रिक बस के हवाले से लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि हम सभी को मेगा ऑक्शन अब और भी ज्यादा डिले होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि हम सभी को 25 फरवरी के आसपास अब मेगा ऑक्शन देखने को मिल सकता है। इसी से लगातार मेगा ऑक्शन की तारीखों को लेकर डिस्कशन कर रही है। इसके अलावा कोविड की सिचुएशन को देखते हुए BCCI ये बड़ा फैसला लेने वाली है कि मेगा ऑक्शन को और भी ज्यादा डिले कर दिया जाए। बात करें टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में तो RCB की टीम की तरफ से आज दो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बात करें पहली बड़ी अपडेट की जो कि निकल के आई है AB डिविलियर्स को लेकर, दो दिन पहले लिए गए इंटरव्यू में AB डिविलियर्स ने कहा कि वो RCB की टीम के लिए अभी भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि RCB की टीम के कोचिंग स्टाफ में वो किसी रोल में हम सभी को नजर आए। लेकिन दोस्तों अब एक और गुड न्यूज आई है, वो आई RCB की टीम के मैनेजमेंट की तरफ से। न्यूज ये कि AB डिविलियर्स के इस इंटरव्यू के बाद RCB मैनेजमेंट चाहती है कि AB डिविलियर्स इसी साल यानी कि IPL 2022 में RCB की टीम के साथ जुड़े, एज अ मेंटर जुड़े, एज अ कोच जुड़े। लेकिन RCB मैनेजमेंट चाहती है कि AB डिविलियर्स IPL 2022 में RCB की टीम के मेंटर बने। और हम सभी को पता है कि AB डिविलियर्स की मौजूदगी भी RCB टीम की ड्रेसिंग रूम में एक बहुत ही बड़ी बात होगी, एक बहुत ही बड़ा RCB की टीम के लिए एडवांटेज रहेगा। तो चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हम सभी को इसी साल यानी कि IPL 2022 में RCB की टीम से जुड़ते हुए नजर आए AB डिविलियर्स। और एज अ मेंटर RCB की टीम के जो नए खिलाड़ी आने वाले हैं, नए प्लेयर आने वाले हैं, उन सभी को मेंटोर करें। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग AB डिविलियर्स को इस नए रोल में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बात करें यहाँ पे दूसरी बड़ी अपडेट की तो निकल कर आ रही है विराट कोहली को लेकर। हम सभी को पता है विराट कोहली अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में मौजूद है, लेकिन चोट के कारण विराट कोहली दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हुए थे। लेकिन अब दोस्तों गुड न्यूज ये है कि विराट कोहली हो चुके हैं फिट और अब ये तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए जो कि 11 जनवरी से खेला जाएगा उसके लिए बिल्कुल फिट हो चुके हैं और हम सभी को एक बार फिर ये टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। और इस टेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला यानी कि तीसरा जो टेस्ट मुकाबला है वो 11 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा, उसमें हम सभी को विराट कोहली एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन नजर आने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों कॉमेंट करके प्रेडिक्ट कीजिए विराट कोहली का दोनों इनिंग्स में क्या स्कोर रहने वाला है तीसरे टेस्ट मुकाबले में, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को दबाइए जिससे कि आप सभी को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।